हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट कीजिए, जो नोएडा में रेट बढ़ रहे हैं इतनी तेजी से, क्या वो रेट लेने लायक हैं, अब लेने लायक हैं या नहीं है। बट प्रोजेक्ट जो बिल्डर के होते हैं पूरे सोल्ड आउट हो जाते हैं। इसमें भी प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो फेस वन पूरा सोल्ड आउट है। सामने आप देख रहे हैं रेलवे का कॉरिडोर ऑलरेडी रनिंग है, यहाँ पर आपको ट्रेनें भी जाती हुई दिखाई देंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट इन नोएडा सेक्टर 146। तो मेट्रो के नज़दीक होने के साथ साथ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे के भी नज़दीक है, और एक्सप्रेसवे के नज़दीक होने के साथ साथ ये दिल्ली से और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी नज़दीक है। और ये आप देख रहे हैं, ये भी एक रेलवे का कॉरिडोर का पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आने वाले समय में और भी देखने को मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट। तो एरिया काफ़ी महंगा होने वाला है ये, और यहाँ पर आपको लग्जरी फ्लैट और बड़ी बड़ी एमएनसी भी देखने को मिलेंगी। और ये सामने आप देख रहे हैं रेलवे का फ्लाईओवर। तो जी, ये थ्री साइड कॉर्नर का प्लॉट है, बोर्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं रेलवे के बिल्कुल जस्ट नज़दीक। गोदरेज ट्रॉपिकल आयल के नाम से है, जो कि फेस वन उनका ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, कुछ ही यूनिट बची हुई हैं 3,250 स्क्वायर फीट में। तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए, ऑफ़र भी अच्छे चल रहे हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 15 लाख रुपीज़ तक का। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लोकेशन मैंने आपको बताई दी, नोएडा सेक्टर 146, नियर बाय मेट्रो, एक्सप्रेसवे भी है साथ में। और इसमें नए लॉन्च की जैसे मैं बात कर रहा था, तो नए लॉन्च की भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है, क्या साइज़ है, क्या प्राइस लॉन्च हुआ था रिसेंट। तो नोएडा सेक्टर 146 मेट्रो जो कि बनाता है इस प्रोजेक्ट को खास वॉकिंग डिस्टेंस। तो ये इसका एक कॉर्नर आपने ऑलरेडी देख लिया, रेलवे के नज़दीक है, दूसरा मेट्रो के स्टेशन के नज़दीक है। तो ये रोड भी आप देख रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट काफ़ी वाइड है। तो नोएडा का 146 सेक्टर ये अभी तक का पहला ऐसा सेक्टर है जिसमें पहला प्रोजेक्ट आया है गोदरेज ट्रॉपिकल आयल का। तो रेट की भी बात करेंगे, उससे पहले आप ये देखिए कंस्ट्रक्शन अभी का, ऑलमोस्ट इनका बेसमेंट में जो वर्क चलता है वो काम ऑलरेडी स्टार्ट है काफ़ी तेज़ी से। तो इसके अंदर साइज़ जो फेस वन में लॉन्च हुए थे 1800, 2500 और 3250, 3250 स्क्वायर फीट के तीन साइज़ लॉन्च हुए थे, जिसमें से इनका 1800, 2500 सब सोल्ड आउट है। जिसका प्राइस लॉन्च हुआ था अप्रोक्स 2.20 CR 3BHK 1800 और 3 CR प्लस 2500 का। सामने आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, सारा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया, कुछ ही यूनिट बची हुई है सबसे बड़ा साइज में। और ये आप देख रहे हैं इसके सेक्टर के अपोजिट सेक्टर सड़क का निर्माण होता हुआ है। तो आने वाले समय में यहाँ चीज़ें बहुत कॉस्टली हो जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे जितनी चीज़ें बढ़ेंगी उतना ज़्यादा यहाँ पर रेट बढ़ेगा। तो सामने आप देख रहे हैं गुलशन का डायनेस्टी भी है। तो प्रोजेक्ट का डिटेल में जानेंगे, सैम्पल अपार्टमेंट भी देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज मिलेंगे आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया, फेज़ टू की लॉन्चिंग न्यू ईयर पर हो सकती है, तो जिसमें साइज़ आपको मिलेंगे अप्रोक्स सेम ही रिप्लिका लेकर आएंगे। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ग्रीनरी आप जैसे सामने देख रहे हैं, कुछ डिफरेंट लुक आएगा, उससे अपग्रेड लुक आएगा। क्योंकि आपको पता ही है, जितना आप चीज़ों को लेट ख़रीदते हैं उतना ही आपको टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट मिलती है। तो आप सामने ये देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी तीन साइज़ के अप्रोक्स आने की संभावना है, 1800 के अप्रोक्स, वही 2500 के अप्रोक्स और 3250 के अप्रोक्स। तो ये कॉर्नर फ्लैट है जो वो 3250 है, जिसमें थ्री साइड बालकनी मिलती है आपको, 35 फ्लोर की हाइट है। तो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इनका देखते हैं सैम्पल अपार्टमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
We'll be right back.